नदी की सोहरत मैं क्या बताओ, नदी की सोहरत मैं क्या बताओ, कहाँ कहाँ पर नदी नदी है करती है। आइए हजरात मैं इस आपको नातिया माहौल में ले चलूं और अपनी फेहरिस्त से जनाब जाहिद जहाना गंजी साहब से बड़े ही अदब से दरख्वास्त गुजार हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत लब लहजे से खूबसूरत तरन्नुम से हम सबको हाजरीन वाकिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम चंदे के सिलसिले में रखा गया है और आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा काउंट करें करें और अपने स्वागत आ रहे हैं आपसे माला माल माल माल। आज की खूबसूरत सदारत फरमा रहे आली जनाब कारी मंजूरुल हक नाजिर साहब उस्ताद मिफ्ताहुल उलूम मऊ और सरपरस्ती हाजी फैजाज अहमद साहब और नाज़िम मुशायरा हज़रत मौलाना खुबैब अहमद नदवी साहब। हाजिर करता हूँ एक मतलब, आप लोग थोड़ा सा माहौल बना है चंदे का। इससे थोड़ा सा आप लोग बेदार हो जाएं और थोड़ा सा ताउन करें। हाँ, आप इस चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, इनको मैं खास तौर से जोड़ता हूँ। तैयब पालकी साहब ने 5,000 दिया है, माशाल्लाह ये 50,000 देंगे, ये क्योंकि ये चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, इनको अभी फील्ड बनानी है और वो तो मतलब अभी मौजूदा चेयरमैन है। मैं आइए दाइस से दुआ लेते हुए मतलब 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलायदा फरमाए। आशिक कन्वीनर फारूक बिलकस साहब हैं, हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास सवा फरमाए कि मिला दो जहां में मिला दो जहां में वो रतबा नबी यूसुफ पे मरते हैं कभी भी कसम से, यूसुफ पे मरते हैं कभी भी कसम से, इन यूसुफ पे मरते अगर देख लेते
करेंगे पर फिर पढ़ा जाएगा हम लोग 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 आप लोग थोड़ा सा माहौल बनाए इधर मजमे से अगर कुछ लोग आने जाते रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा माहौल बनेगा। आइए हाजिर करता हूँ एक मतला नातिया गीत है हाजिर करता हूँ बतौर खास समाप्त हो रहा है। हाँ हाँ माशाल्लाह वही पढ़ रहे हाँ तो बस अपने टीम को जो है तैयार किए रहना हाँ आप लोग आते रहेंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास समाप्त फरमाए साहब मौजूद हैं यहाँ पे असद आजमी साहब तनवीर अख्तर जाहिदुल इस्लाम तमाम दोस्त यहाँ बैठे हुए मैं हाजिर करता हूँ कल बतौर खास समाप्त फरमाए कि आ गए हैं सरकार आ गए हैं सरकार कितना का सह झुका था कितना का सह झुका था किस रगार पे हुआ था किस रगार पे हुआ था तेरा मर्द शैतान तेरा मर्द शैतान अभी तो बहुत ठंडी चल रही है और ठंडा है भी शाहिद भाई ये जो साउंड के पास जो लोग खड़े रास्ता छोड़ दे घर के लिए देने के लिए आ रहे हैं उनको रास्ता नहीं मिल पा आप लोग रास्ता छोड़ दिए भाई और एक बात और है कि मेरी माँ बहनों की तादाद बहुत ज्यादा है कमेटी वालों से हुक्म है कि वो किसी बच्चे के जरिए उन तक पहुँचा दे ताकि वो भी अल्लाह के घर के लिए कुछ दे और सवाब का उनको उनको भी हक उनको भी हक मिल जाए और मेरी गुजारिश है कि मेरी माँ बहनों तक किसी बच्चों को भेजा जाए कि ताकि वो भी ताउन कर सके पढ़िए वो हजरत लोगों को भेज दो जो कमछा लेके जरूरत भूलते हैं उनको भेजिए हासिल करता हूँ बतौर खास समाप्त फरमाए कि आ गए हैं सरकार आ गए हैं सरकार जुल्म सितम दुनिया से मिटाने अहमद मुख्तार आ गए हैं सरकार आ गए हैं सरकार पहला बंद हासिल करता हूँ बतौर खास समाप्त फरमाए कि आ गए हैं सरकार सजते ये दुनिया बनी है मोहम्मद के सजते ये दुनिया बनी है हसी चांद तारों की महफिल सजी है हसी चांद तारों मांगे दुआएं जब उनके वसीले से मांगे दुआएं तो आदम और हव्वा की किस्मत जगी है तो आदम और हव्वा की किस्मत जगी है
अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आपके देवे को कबूल फरमाए। आप लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे, हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे माशाल्लाह। हाजिर करता हूँ बतौर फास समाज फरमाए रास्ता बना के आई है। आपके इस रास्ते बनाने को भी अल्लाह का कबूल कर लिया ना, तो फिर जन्नत से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि आ गए हैं सरकार, आ गए हैं सरकार, कुत्ते का सर झुकाता कुफर घर पे हुआ था, श्यामर दूध शैता पहाड़ों में छुपाता, रहमत आलम शाह मदीना उम्मत के गमखा का घर है, जहाँ पर चमकता मोहम्मद का घर है, खुदा ने उतारा है जन्नत का टुकड़ा, खुदा ने उतारा है जन्नत का टुकड़ा, हासिल करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। फारूक भाई इजाजत है, हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। थोड़ा नाज़्म मुशायरा थोड़ा सा मतलब बनाइए मुशायरे को। हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि भटकने से बचाया है नबी ने, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि भटकने से बचाया लग रहा है। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं कि फलाने शायर आएंगे तो उनको मतलब अपना इनाम देंगे, हमको भी दे दीजिए, उनको भी मस्जिद में जाएगा। मैं आपका सबसे पहले आपका नाम लिया हूँ, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलायदा फरमाए। जब शायर कोई पढ़ता है तो बस यही सोच के पढ़ता है कि मुझसे अच्छा कोई पढ़ने वाला नहीं है, तभी वो पढ़ पाता है, डाइस पे खड़ा हो पाता है। सही बात है, हाजिर करता हूँ बतौर खास फरमाए। सुभान
कहिए, आपका बस यही काम है कि मुशायरे बैठे हैं, जलसा तो है नहीं, थोड़ा सा माहौल बनाइए आप भी। हाजिर करता हूँ बतौर खास मतलब पहला शेर, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं माशाल्लाह मौलाना साहब। हाजिर करता हूँ मुलायदा फरमाए कि हमारे जिंदगी थे जानवर से, कि हमारे जिंदगी थे जानवर से, हमारे जिंदगी थे जानवर से, कि हमारे जिंदगी थे जानवर से, हमारे जिंदगी थे जानवर से, हमें इंसान बनाया है नबी ने, कि जमाने ने जिसे ठुकरा दिया था, जमाने ने जिसे ठुकरा दिया था, जमाने ने जिसे ठुकरा दिया था, कि जमाने ने जिसे ठुकरा दिया था, जमाने ने जिसे ठुकरा दिया था, उसे दिल से उठा कर फर्श से उनको ज़ाहिद, कि उठा कर फर्श से उनको ज़ाहिद, कि उठा कर फर्श से उनको ज़ाहिद, उठा कर फर्श से उनको ज़ाहिद, सुरैया पर सुरैया पर बिठाया है नबी ने, आते जाते रहे। बहुत 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 सारा शुक्रिया। हाँ कि भटकने से बचाया है नबी ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत बहुत